तो चलिए आज बनाते हैं गर्मियों की स्पेशल बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी कर्ड की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही इजीली घर पर बना लेंगे। मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो आज हम इसे बहुत ही रियल और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से पहले आप उसे वॉश कर लें और फिर चॉप कर लें। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इस तरह से हमने चॉप करके इसे इसमें डाल देना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 से 6 चॉप करके ले लिए हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे, तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर होल चीनी ली है, इसका मिठास बढ़ाने के लिए, क्योंकि थोड़ा खट्टा भी होता है ना, तो हमने इसको एडजस्ट करने के लिए चीनी ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर देंगे, तो पानी वगैरह नहीं ऐड करना है हमें, इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो देखिए इस तरह से स्मूथ एकदम पेस्ट बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर दही लिया है 1/2 कप, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे एक बाउल में डालकर इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है। दही बहुत खट्टा वाला नहीं लेना है हमें, नॉर्मल खट्टा लेना है, जो बिल्कुल ताज़ा दही होता है वही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही लेने से फिर इसका टेस्ट एकदम अलग आएगा। अब इसे हमें हल्के हाथों से चलाते जाना है और एकदम स्मूथ बना लेना है इसको। तो ये देखिए दही हमारा एकदम स्मूथ बन चुका है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी। दही में हमने शक्कर नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले ही स्ट्रॉबेरी के साथ चीनी ऐड कर ली थी, और सारा ही हमने पेस्ट इसमें डाल देना है। कर्ड जो मिलता है मार्केट में स्ट्रॉबेरी कर्ड, उसमें रियल स्ट्रॉबेरी कभी नहीं होती है। अगर आप इस तरह से रियल वाला स्ट्रॉबेरी कर्ड खाना चाहते तो इस तरह से घर पर बनाएं, बहुत ही ईजली वे पे ये बनकर तैयार हो जाता है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, साथ ही समर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। अब हमने ये देखिए स्ट्रॉबेरी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आप इसे चाहे तो फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ दें, ठंडा कर लें। बहुत ही ठंडा ठंडा चिल्ड हमारा स्ट्रॉबेरी कर्ड बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद करने वाले हैं वो, और घर में सभी को ये पसंद आने वाला है। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, खट्टा मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट ये स्ट्रॉबेरी दही बनकर हो गया है तैयार। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइस स्ट्रॉबेरी का इस तरह से कट करके रख दिया है। जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसको हल्का सा डॉप कर देंगे, इससे देखने में बहुत ही सुंदर लुक भी आएगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बनाकर स्टोर करके रख दें फ्रिज में, और फिर जब आपका मन करे तब आप इस तरह से ये दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आएगा सबको। आई होप कि आपको मेरी आज की ये टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरी दही की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।